नमस्ते एवरीवन, मैं विभूति अरोरा आपकी फेस योगा प्रैक्टिशनर। सीखिए मेरे साथ फेस योगा ऑन एक्ने प्रोन या पिंपल स्किन। जी हाँ, अगर आपके चीक्स भर गए हैं पिंपल से तो आप फ्रिक्शन बेस्ड लिफ्टिंग या टैपिंग मोशन नहीं कर सकते। इसकी जगह फेस योगा की कौन सी टेक्निक से एक्यूप्रेशर की कौन सी टेक्निक्स का हम यूज करते हैं अपने एक्ने को ड्राई अप करने के लिए एंड रेकरेंस ऑफ एक्ने को लिमिट करने के लिए, सीखिए मेरे साथ आज। जब आपके बहुत ज्यादा एक्ने फोरहेड या चीक्स पे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कुछ हद तक लिम्फैटिक ड्रेन्स या टॉक्सिन फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है एंड दे नीड एड्रेसर और दे नीड करेक्टिव ड्रेनेज। इनके लिए हम अपने की पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। हमारे बालों के साइड पे यहाँ पे एक हमारा कॉलेजन बूस्टिंग पॉइंट होता है, हम उस पॉइंट को 30 सेकंड्स तक प्रेस करेंगे कुछ इस तरह। थ्री सर्कल्स क्लॉकवाइज, थ्री सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेशर देते हुए रिलीज करें। इसके अलावा हमारा जो टेम्पल ट्रायंगल है, ये पहला टेम्पल हम जानते हैं, आप उंगलियों को डायगनली ऊपर लेके जाइए, अंगूठे को डायगनली नीचे लेके जाइए। ये तीन पॉइंट्स को प्रेस कीजिए, इनहेल एक्सहेल ना भूलिए। थ्री सर्कल्स क्लॉकवाइज, थ्री सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। प्रेशर देते हुए, कुछ हद तक पेन भी होगी, प्रेशर देते हुए रिलीज कीजिए। हमारे आंखों के ऊपर जो हमारा एक्यूप्रेशर ट्रिगर पॉइंट है उसको प्रेस कीजिए और कुछ इस तरह टेम्पल पे ले जाते हुए फिर प्रेशर देते हुए रिलीज कीजिए। हमारे जॉ के साइड में जहां हमारा जॉ और ईयरलोब मिलता है वहां हमारा SJ17-20 पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स जब आपके एक्टिव एक्ने या पिंपल्स है काफी हद तक पेन करेंगे, पर आप इस पॉइंट को प्रेस करेंगे तो आपकी ड्रेनेज जो टॉक्सिक फ्लूइड बिल्डअप है या इन्फेक्शन बिल्डअप है जिससे आपके एक्ने ज्यादा बढ़ रहे हैं वो जल्दी सूखेंगे, जल्दी ड्राई अप होंगे। इस पॉइंट को 3 सेकंड से 30 सेकंड तक और अप टू 3 मिनट्स प्रेस कीजिए। काफी पेन होता है इसीलिए मैं 3 सेकंड से शुरुआत करवा रही हूँ आपकी। फ्लिकर करके रिलीज कीजिए। अब अपनी उंगलियों को ईयर्स के साइड पे इन अ सिजरी मोशन प्रेस करेंगे एंड अप एंड डाउन इन एन एंटी एजिंग मसाज, कुछ इस तरह मसाज करेंगे। इसके अलावा आपका अपर लिप का जो पॉइंट होता है आप इसको प्रेस करेंगे और चिन के ऊपर जो मेंटालिस पे पॉइंट है इसको प्रेस करेंगे 30 सेकंड से 3 मिनट तक और रिलीज करेंगे। हमारे नोज के साइड पे हमारा जो स्टमक गट हेल्थ पॉइंट होता है, यू नो अ लॉट ऑफ फूड दैट वी ईट इज हीट जनरेटिंग, दैट कैन आल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ एक्ने। हार्मोनल एक्ने अलग होता है, बॉडी एक्ने बिकॉज ऑफ फूड अलग होता है एंड इन्फेक्शन रिलेटेड एक्ने जो आपके गंदे मेकअप ब्रशेस से या एक्सपायर्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने से होता है वो अलग होता है। हम हर इसको अलग अलग टैकल करते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये हमारे स्टमक के और गट हेल्थ से रिलेटेड पॉइंट्स है, इसको प्रेस करेंगे तो आपकी बॉडी की जो हीट है वो कम होगी। इनको आपने 10 सर्कल्स क्लॉकवाइज देने हैं और 10 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज देना है और फिर रिलीज करना है। इससे हमारे स्किन का जो कॉलेजिन है वो भी बूस्ट होगा। बहुत बार हमारा पिंपल इतना डीप होता है दैट इट एक्चुअली ईट्स अप द इंफेक्शन बैक्टीरिया, ईट्स अप द कॉलेजिन अंडर द एक्ने। इसके अलावा जब आप स्किन केयर अप्लाई करते हैं, करेक्टिव स्किन केयर, क्योंकि अब आपके पास एक्ने है तो आप स्किन केयर रैंडमली फ्रिक्शन क्रिएशन मोशन में नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो उसके लिए आप एलोवेरा जेल, टी ट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। टी ट्री ऑयल इज वेरी वेरी गुड फॉर एक्टिव एक्ने ड्राइंग, इनको यूज कीजिए। ये आपके एक्ने को भी ड्राई करेगा और आपकी स्किन को डिहाइड्रेटेड भी नहीं छोड़ेगा। इस टेक्निक के लिए आप टी ट्री आवोकाडो बेस्ड ऑयल को कुछ इस तरह लेंगे
हाथों में इंग्रेडिएंट्स को इमल्सिफाई या एक्टिवेट करेंगे, अपनी चिन को पीछे पुश करेंगे, हाथों को इस तरह फ्लैट हल्के हाथ से स्किन केयर को ट्रांसफर करते हुए फेस लिफ्टिंग मोशन देंगे और फिर ड्रेनेज इनिशिएट करेंगे। द सेम थिंग हम चीक्स पे बहुत हल्के हाथों से आंखों तक कप करते हुए इस तरह प्रेस करेंगे, स्वाइप करेंगे, लिफ्ट करेंगे और ड्रेन करेंगे। यही चीज अगर मुझे आई क्रीम के साथ करवानी है, बिकॉज मेरे फेस पे एक्ने है, मेरी आंखों पे एक्ने नहीं है, तो मैं ऑयल, नाउ आई विल यूज अ अंडर आई ऑयल और एन अंडर आई क्रीम, वो दो उंगलियों में लूंगी, अपनी आईज को इस तरह सपोर्ट करूंगी और एक सर्कुलर मसाज दूंगी ऑल ओवर द ब्राउ बोन एंड द आई। बिकॉज जब मैं सर्कुलर मसाज दे रही हूँ, मेरी हाइड्रेशन डीप जा रही है, मेरी लीस्ट फ्रिक्शन मूवमेंट हो रही है एंड ओवरऑल आई हाइड्रेशन भी हो रही है। इसमें मुझे कोई ड्रेनेज की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पफिनेस नहीं है, मेरी डिहाइड्रेटेड स्किन है। तो स्लोली एंड स्टेडली जो टेक्निक्स मैं आपको सिखाती हूँ आप भी डिसाइफर कर पाएंगे, लिम्फैटिक ड्रेनेज टेक्निक्स कौन सी है, एक्ने प्रोन टेक्निक्स कौन सी है एंड फेस लिफ्टिंग एंटी एजिंग टेक्निक्स कौन सी है। आई होप मेरा ये पिंपल्ड स्किन के लिए फेस योगा वीडियो आपको पसंद आया। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।